नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। लव जिहाद एक ऐसा अपराध जिसको रोकने के लिए सीएम शिवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मामा ने ठान लिया था कि वो प्रदेश की बहन बेटियों की जिंदगी को नर्क नहीं बनने दें। इसलिए मामा ने भरी सभा में ही चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी ने भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया या फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उनकी जिंदगी नर्क बनाने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं। लेकिन सीएम की इस चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो लव जिहाद जैसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद जैसा कानून लेकर आई, लेकिन ऐसा लगता है कि अपराधियों को किसी कानून का डर है ही नहीं, क्योंकि जब से कानून लागू हुआ है उसके बाद भी 24 लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं और अब कानून बनने के बाद इंदौर में लव जिहाद का पहला केस दर्ज हो चुका है। इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में रहने वाली 17 साल की नाबालिग युवती के साथ एक युवक ने नाम और धर्म बदलकर दोस्ती की, फिर उसको बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद जब लड़की को लड़की की हकीकत के बारे में पता चला तो उसने थाने में जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 3/5 के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 21 साल के लड़के फरहान ने राहुल बनकर लड़की से दोस्ती की, फिर लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की को राहुल के फरहान होने की सच्चाई पता चली तो उसने थाने में इसकी शिकायत की और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनने के बाद से औसतन रोज एक मामला दर्ज हो रहा है। एमपी में यह कानून 9 जनवरी को लागू हुआ और 31 जनवरी तक इसके 23 मामले दर्ज हो चुके थे, जिसके बाद अब इंदौर में भी एक और मामला आ गया है। लव जिहाद के सबसे ज्यादा केस भोपाल संभाग में दर्ज हुए हैं, उसके बाद इंदौर संभाग दूसरे नंबर पर है जहां पर 5 मामले दर्ज हुए हैं। इंदौर शहर में लव जिहाद का अब ये पहला मामला सामने आया है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। वहीं रीवा, जबलपुर में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामले लव जिहाद के दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। साथ ही खबर पसंद आए तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।